मावेर तहसील के ग्राम नागपुर में प्रसिद्ध एवं चैतन्य पंचमुखी नाग मंदिर है। हजारों श्रद्धालु यहां पर पूजा अर्चना करने आते हैं और दूर दूर से भक्त यहां पर पहुंचते हैं। बताया जाता है कि यहां एक चैतन्य मूर्ति है जो 870 वर्ष पुरानी है। नाग पंचमी के दिन यहां पर विशेष पूजा अर्चना की जाती है और मेला लगाया जाता है। जिनकी मन्नत होती है वह भी पूरी होती है। इसी स्थान की एक अजब कहानी भी है। यह पंचमुखी नाग देवता बांग्लादेश के एक युवक सुमन चंद के आए दिन सपने में आते थे, लेकिन उसने सपने पर कभी ध्यान नहीं दिया। उसके बाद उसे लकवा आ गया। बाद में फिर वह सपने में आने लगे। जिस दिन उसे सपना आया उसी दिन उसकी पत्नी को भी सपना इसी तरह आया। उसकी पत्नी ने मन्नत की कि हम आपके दर्शन जरूर करेंगे। मन्नत लेने के बाद ही सुमन चंद लकवा से ठीक हो गया। जब जानकारी निकाली तो पता चला कि सांवेर तहसील के नागपुर गांव में पंचमुखी नाग मंदिर है। जानकारी मिलते ही उसने अपने परिवार के साथ मंदिर पर नाग पंचमी के दिन यहां पहुंचकर दर्शन और पूजा अर्चना की। दर्शन करने के बाद उसने बताया कि जो देवता मुझे सपने में आते थे वह यही इसी तरह की प्रतिमा मुझे दिखाई। हजारों श्रद्धालु दर्शन करने के लिए आते हैं और अपनी मन्नत पूरी होने के बाद में जो भी वो मन्नत करते हैं वो पूरी करके जाते हैं। चढ़ावा जो भी है, दान दक्षिणा जो भी है, और जिनके यहाँ बच्चे वगैरह नहीं होते बच्चों की भी मान रखते हैं, और जब बच्चा होता है उसके बाद में बच्चे का तुलादान करते हैं, प्रसाद वितरण करते हैं। और ये चमत्कारी मूर्ति है बाबा की, और हजारों वर्ष पुरानी मूर्ति है, और सभी ग्रामवासियों के आसपास के गांव वालों को इसमें बहुत ही बहुत वो है, क्षमता है, और सभी आसपास के हम लोग आते हैं और दर्शन करके नाग पंचमी के दिन जाते हैं, और भयंकर मेला लगता है। हजारों हजारों जो है पब्लिक आती है, कम से कम 50,000 पब्लिक यहां आती है और दर्शन करके जाती है। यहां पर बताया जाता है कि बांग्लादेश से भी कोई दर्शन के लिए आए थे। हाँ, यहां से हजारों किलोमीटर दूर बांग्लादेश से किसी भैया को बाबा ने सपना दिया कि मैं यहाँ पे विराजमान हूँ। उनके सपने में उनको सोने नहीं दिया, उनके सपने में बार बार कम से कम 5-7 दिन आए रोज। जब जाके वो यहाँ आए और उनकी जो मन्नत थी वो पूरी हुई, और वो दर्शन करके और एक ये मूर्ति दे के रख के गए हैं, मूर्ति बाबा की यहाँ रख के गए हैं, और वो आशीर्वाद लेके गए हैं। पुनः बोला कि फिर आएंगे, हमारा काम हो जाए, कुछ मांग के गए, बोला है कि काम हो जाएगा तो फिर आएंगे हम।